ने बहुत सारी चीजें पहले बताई हैं और वो अभी उन्हें बुद्धि योग के विषय में बताएंगे। तो अभी इसलिए बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि योग स्वयं कृष्ण भावना में की हुई गतिविधियां हैं और वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस और योग का अर्थ है ऐसे अद्भुत कार्य, क्या कहते हैं, सिद्धि, सिद्धियां, सिद्धि पूर्वक कार्य। जब हम भगवान के धाम में वापस जाना चाहते हैं और कृष्ण भावना को पूर्णतः भक्तिपूर्ण सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों को बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि योग वो कार्य प्रणाली है जिससे भौतिक दुनिया के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो कृष्ण है। लोग ये जानते नहीं है, इसलिए योग्य गुरु का सत्संग और प्रामाणिक भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कृष्ण है और जब वो कृष्ण का लक्ष्य हमें प्राप्त होता है तो ये पाथ धीरे धीरे क्यों न हो लेकिन निश्चित रूप से प्रगतिशील तरीके से हम उसमें चल सकते हैं और इससे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। जब व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है तो वो पता होने के बाद भी अगर अपने कर्म के फल से आसक्त होता है तो उसे कर्मयोग कहते हैं। जब उसे जीवन का लक्ष्य पता है और वो वैराग्य की ओर मुड़ता है तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। और जब उसे जीवन का लक्ष्य पता होता है और वो पूर्णता से कृष्ण की शरण लेता है, कृष्ण भावना में रत हो जाता है और कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में लग जाता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसे बुद्धि योग भी कहते हैं, जो कि एक संपूर्ण योग है। ये संपूर्ण योग जो है ये जीवन की सबसे परिपूर्णतम श्रेष्ठतम अवस्था है। व्यक्ति को गुरु प्राप्त होगा लेकिन और वो किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा होगा, फिर भी अगर वो बुद्धिमान नहीं है कि वो भक्ति में प्रगति कर सके तो कृष्ण भगवान उसे अंदर से, हृदय से मार्गदर्शन देते हैं ताकि वो बहुत जल्द ही उनके पास किसी भी कठिनाई के अलावा पहुंच जाए। योग्यता ये होनी चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा कृष्ण भावना के कार्यों में मग्न होना चाहिए, अपने आप को उसमें लगाना चाहिए और प्रेम और भक्ति के साथ में सब प्रकार की सेवाएं देनी चाहिए। जब कोई कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है कृष्ण के लिए तो वो कृष्ण के प्रति प्रेम से करना चाहिए। अगर को वो भक्त जो कृष्ण के लिए प्रेम से कार्य करना कर रहा है लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो स्वयं आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सके, लेकिन वो प्रामाणिक है और बहुत ही डेडिकेटेड है भक्ति के सेवा के कार्यों के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान मार्गदर्शन करते हैं, उसके प्रगति करवाते हैं और अपने आप को उसे प्राप्त करवा देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति सपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है, दशम अध्याय का दसवां श्लोक है भगवत गीता का। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। तो सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है वो है योग। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। और फिर कई प्रकार के योगों का भगवान ने वर्णन किया है, कई प्रकार के योगों का भगवान ने वर्णन किया है, जैसे कर्म योग। तो प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या करते हैं कि जीवन के लक्ष्य के प्रति ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई कर्मों के फल से आसक्त है, जैसे कर्म किया तो पैसा चाहिए, कर्म किया तो भोग चाहिए, कर्म किया तो बच्चे की शादी होनी चाहिए, कर्म किया तो पुत्र होना चाहिए, इस प्रकार के कर्म से संबंधित फल की जो अपेक्षा करता है उसे कर्मयोगी कहते हैं। उसे कृष्ण के प्रति ज्ञान है लेकिन फिर भी अभी कर्म के फल की आसक्ति से वो मुक्त नहीं हुआ है, कर्म के फल से वो आसक्त अभी भी है। दूसरा व्यक्ति है जो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्ति हो गई है उसको, और अभी कर्म फल से वो विरक्त हो गया है, उसको वो कर्म फल से अभी आसक्ति नहीं है, उसको विरक्ति आ गई कि भी इंद्र भोग में कुछ अर्थ नहीं है, इस विश्व में कुछ अर्थ नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है, तो उसको विरक्ति आ गई है। तो ऐसे विरक्ति वाले व्यक्ति जो है वो मोक्ष चाहता है, वो सोचता है कि इस दुनिया में कोई सुख नहीं है तो मुझे इस दुनिया से मुक्त हो जाना है, जितना जल्दी हो सके मैं मर जाऊं और मोक्ष प्राप्त करूं। तो जब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भगवान के विषय में ज्ञान होने के बाद में होती है तो उसको ज्ञान योग कहा गया है, क्योंकि तो ज्ञान योग का परिणाम है विरक्ति। ज्ञान का मतलब क्या है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत में कोई सत्य नहीं है और इस जग में कोई सुख नहीं है, तो सभी भौतिक विषयों की वस्तुओं से आसक्ति छूट जाती है और उसके परे जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। और उसके बाद में है सिद्ध योगी, यानी वो जानता है कि इस विश्व में जो भी कुछ है उसमें कुछ दम नहीं है। हाँ, इस विश्व में जो भी कुछ है उसमें दम नहीं है, लेकिन इस विश्व के परे कुछ शक्तियां हैं, जैसे मैं किसी को ऐसा हाथ लगाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा बीमारी से, तो वो किसी को हाथ लगाऊंगा तो जिसको बालक नहीं हो रहा है तो वो बालक हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं, आकाश में उड़ने वाली सिद्धियां हैं और हवा में तैरने की सिद्धियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, उसमें से 8 प्रकार की प्रधान सिद्धियां हैं, अनिमा लयिमा महिमा महिमा प्राप्ति वशीकरण, से बहुत सिद्धियां हैं। तो वो जो कहते हैं उसको सुपरलेटिव सुपर ह्यूमन पावर कहते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के इंद्रियों में नहीं होती है लेकिन कुछ योग प्रक्रिया करने से वो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सबसे हल्का हो जाना, सबसे छोटा हो जाना, सबसे बड़ा सबसे बड़े आकार का हो जाना, और कुछ जो भी चाहिए वो प्राप्त कर लेना, ये भी एक प्रकार का बड़ा मोहजाल है। अब मैं डॉक्टर हूं तो मुझे लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसको मैं ऐसा शक्ति होना चाहिए कि मैं हाथ लगा दूं उसको और एक मंत्र जपूं तो उसका बीमारी ठीक होना चाहिए और वो उठकर दौड़ना चाहिए, या मरणासन्न व्यक्ति को मैं हाथ लगाऊं तो जिंदा होके तुरंत भागना चाहिए। तो क्या होता है मिस्टिक, मतलब सिद्धि वाले प्रकार की शक्तियों की इच्छाएं होती मन में, तो जो उसके पीछे लगता है तो सिद्ध योगी कहते हैं। लेकिन है ना, हमको सबको जानना चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलो अशांतो,
पहला जो है भुक्ति, मतलब क्या, कर्म फल से आ सकते हैं, भोग के पीछे उसको कर्म फल का भोग लेने की इच्छा है। दूसरा मुक्ति कामी है, उसको दुनिया में रस नहीं लेकिन मुक्ति चाहिए, तो एक भुक्ति कामी हो गया, एक मुक्ति कामी हो गया, और तीसरा है सिद्धि कामी, तो सिद्धियों के पीछे सिद्धि चाहिए उसको। सकल अशांत, क्यों अशांत सब लोग है ये, क्योंकि भुक्ति यानी भोग, मुक्ति यानी मोक्ष, और सिद्धि यानी जो अद्भुत शक्तियां जो है, ये सब में केंद्र स्थान में वो खुद होता है, स्वयं होता है, केंद्र स्थान में भगवान नहीं होते। जब भोग लेता हूं मैं, तो मैं बीच में होता हूँ, भगवान नहीं होते उसमें। जब मैं मोक्ष आता हूँ तो मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, मैं इंपॉर्टेंट, भगवान देंगे और कोई देंगे मतलब नहीं, मुझे मिलना चाहिए बस। और तीसरा मुझे अद्भुत शक्तियां चाहिए, तो मुझे चाहिए, मैं वो अद्भुत शक्तियों संपन्न बनना चाहता हूँ, मैं सिद्ध योगी सिद्धि बनना चाहता हूँ, सिद्ध बनना चाहता हूँ। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकोलो अशांत, ये सब लोग अशांत रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के केंद्र स्थान में, हमारी गतिविधियों के केंद्र स्थान में हम स्वयं होते हैं, तब तक हम लोग अशांत होते हैं। और जब स्वयं के सिंहासन पर जब भगवान को बिठाते हैं, खुद उतरते हैं और भगवान को बिठाते हैं, यानी भगवान को केंद्र स्थान में रखते हैं, तो अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम का मतलब क्या है, ना उसको भोग की कामना है, ना उसको मोक्ष की कामना है, ना उसको सिद्धि की कामना है, उसको केवल भगवान को संतुष्ट करने की कामना है बस। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी गतिविधियां, उसके कार्य जो हैं, वो भी स्वयं केंद्रित ना होकर भगवत केंद्रित होंगे और हो रहे हैं। जब तक स्वयं को हम अपने कार्य के केंद्र स्थान से नहीं हटाते हैं, तब तक हमारे जीवन में अशांति बनी रहेगी। जब तक सब प्रकार के भोगों के मालिक योग्य व्यक्ति भगवान है, सब प्रकार के वस्तुओं के स्वामित्व भगवान के पास है, और सब प्रकार के वस्तुओं के भोक्ता भगवान है, सब प्रकार के वस्तुओं के मालिक भगवान है, सब प्रकार के वस्तुओं पर भगवान का अधिकार है, जब तक ये जानकारी हृदय से किसी को नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति अशांत ही रहता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्यते। शांति कब प्राप्त होती है, अशांत कब तक रहता है, जब तक मुझे भोग चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, तब तक अशांति निश्चित है। अब ये पता चलता है कि सबके भोक्ता, सबके नियंता, सबके अधिकारी भगवान है, भगवान सबके सुहृद मित्र हैं, उसी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो यहां पर बुद्धि योग कहां से आ गया, बुद्धि योग का अर्थ यह है कि पहले तो ये सब कुछ समझने के लिए बुद्धि चाहिए, है ना, सबसे पहले तो बुद्धि की आवश्यकता तब पड़ती है जब ये क्या है भैया, एक है क्या, अभी इसके पीछे कुछ है क्या, अभी कुछ मुझे जो मिल रहा है वो सब दुखी दुखी का होने का कारण हो रहा है, मुझे दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो तो बार बार दर दर की ठोकरे खा रहा हूँ, दर दर पे माया टकरा रही है, दर दर पे कष्ट प्राप्त हो रहा है, कुछ भी जतन करूं उधर ठोकरे प्राप्त हो रही है, ये करूं तो दुख प्राप्त हो रहा है, वो करूं तो कष्ट प्राप्त हो रहा है, वो करूं तो यातनाएं मिल रही है, वो करूं तो पीड़ा मिल रही है, तो फिर प्रश्न उठता है कि अरे अभी क्या करूं, इसके परे कुछ है क्या कि इसमें मर जाऊं। तो फिर हम किसी भक्त को मिलते हैं और उसकी बातें सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है, तो भक्त कहता है ठीक है अभी ये किताब पढ़ो आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके आगे क्या है। तो जब पढ़ेंगे ना, तो जब तक हमारी बुद्धि दुनिया की चीजों से, इच्छाओं से, कामना से दूषित है, तब तक उस दूषित बुद्धि से ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ये हमारा विषय नहीं है ऐसा लगता है, उसमें गति नहीं है, उसमें रुचि नहीं है। तो इसका एक उपाय है इसके लिए कि नित्य नियम से शास्त्र पढ़ते रहने से हमारी दूषित बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
महात्मा गांधी कहते थे कि मैं रोज सुबह भगवत गीता के श्लोकों को पठन करके मेरे बुद्धि को स्नान कराता हूं, और स्नान करने से मल जो है शरीर का वो नष्ट हो जाता है। जहां जहां गंदगी दुर्गंध फैली हुई है वो स्नान करने से वो नष्ट होकर शुद्धि प्राप्त होती है, साफ सफाई होती है। तो शरीर की साफ सफाई जल और साबुन से होती है, मन की शुद्धि संतुष्टि से होती है। ये कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मन शुद्ध कब होता है, जब वो संतुष्ट हो। संतुष्टि का साबुन जब भी अपनाएंगे तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, अपनी वासनाओं से कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। और बुद्धि को शुद्ध कैसे करना है, शास्त्र का अध्ययन करने से, नित्य नियम से। समझ में नहीं आने पर भी जब शास्त्र के वचन हम पढ़ेंगे, दोहराएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों से सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो हमारी बुद्धि जो है, जो भी दूषित हो गई है वो शुद्ध हो जाएगी। तो दूषित बुद्धि के लक्षण क्या है, दूषित बुद्धि के लक्षण है कि वो मन के वश में रहती है। मन कहता दारू पीना है तो बुद्धि उसको मार्ग दिखाएगी, कहाँ जाना है, कैसे प्राप्त करना है। चुप चुप के, आज ड्राई डे है फिर भी कैसे चुप के पीछे से जाके पैसा दे के लाना है, इसको दूषित बुद्धि कहते हैं, क्योंकि मन के वश में है। और दूषित बुद्धि का लक्षण क्या है कि वो मन के वासनाओं को पूर्ति करने में उत्साह देता है, मन जो भी कहेगा उसको करने में उसको सहायता करता है, और दुनिया के भोगों के परे जो चीजें हैं वो समझ नहीं सकता है वो, कि मन आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका फर्क जो है उसको समझता नहीं। ये दूषित बुद्धि का लक्षण है, जो इसी जीवन को सर्वस्व मानता है, इसके मरने के बाद में कुछ नहीं बचता है, सर्वस्व तो यही जीवन है, आगे किसने देखा है, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, जो भी करना है हाँ चोरी करो, मांग के लो या हक से लो, लेकिन घी खाओ, हाँ घृतम पिबेत, हाँ चोरी चोरी से लो या मांग के लो या चुरा लो या पैसे से लो, लेकिन घी पियो, यानी भोग लेते रहो, केन प्रकारेण। और वो भोग लेने के लिए सहायता करने वाली जो बुद्धि होती है उसको दूषित बुद्धि कहते हैं। शुद्ध बुद्धि का लक्षण क्या है कि जब उसको पता चलता है कि आत्मा और शरीर अलग है, शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल प्रकार का शरीर होता है, एक सूक्ष्म प्रकार का शरीर होता है। स्थूल प्रकार का शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, और सूक्ष्म प्रकार का शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और ये भिन्न भिन्न है। ये आत्मा के ऊपर आवरण रहता है, आत्मा इससे अवरुद्ध रहती है लेकिन आत्मा इससे अलग है, इसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। ये कैसे मिलती है, सत्संग में प्राप्त होती है। सत्संग में जब बैठते हैं, सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग की कई व्याख्या है। एक व्याख्या है कि सत्य के विषय में किया हुआ संग, यानी भगवान, सत्य सत्य के विषय में, चिरंतनता के विषय में, शाश्वती के विषय में, जो वस्तु शाश्वत है, हाँ पारलौकिक है, भौतिक नहीं है, परम सत्य है वो वस्तु, उसके विषय में चर्चा जहां होती है उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग की एक और व्याख्या है कि जो जिस जिन जिन लोगों के बीच में बैठकर विषय वासनाओं का आसक्ति कम होती है उसको सत्संग कहते हैं। आज का हमारा ये जो वैचारिक समागम है, जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसके अंत में अगर आपकी विषय वासनाओं के ऊपर से आसक्ति कम हो जाएगी तो आज का सत्संग को हम आज के संग को सत्संग के रूप में कह सकते हैं, सत्संग का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हमारे चर्चा से आपका विषयों के ऊपर जो वासनाएं हैं वो कम कम होनी चाहिए। और सत्संग की और भी व्याख्या है, जिसमें बैठने से भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ये साथ साथ है, भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तो अपने आप विषयों की वासना कम हो जाती है। तो सत्संग का अर्थ ये है कि
जिसमें बैठने से भगवान का आकर्षण और विषयों से पराकर्षण, अनासक्ति, ये होना चाहिए। और ये करने की जो बुद्धि है उसको शुद्ध बुद्धि कहते हैं। तो वो बुद्धि शास्त्र से प्राप्त होती है, क्योंकि तो सत्संग में क्या होता है, शास्त्र के विषय में चर्चा होती है। शास्त्र क्या होता है, जो भगवान के विषय में चर्चा करता है, आत्मा के कल्याण के विषय में चर्चा करता है, वो शास्त्र है। इसलिए भगवान यहाँ पर ना बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। एक होती है भौतिक बुद्धि, जो इंद्रियों के भोग करने में बहुत आपको कुशल बना देती है। पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे सुंदर स्त्री को पटाकर शादी करनी है, कैसे जल्दी 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 कर्जा फेर कर घर बनाना है, जमीन प्राप्त करनी है, ये जो बुद्धि है ना, इसको ये बुद्धि दुनियादारी की बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, विषयों से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे बंधन से मुक्त हो जाए, कैसे कर्म फल के जाल से मुक्त हो जाए, ये दिव्य बुद्धि है। लेकिन एक बुद्धि, इस बुद्धि को हम नापते हैं ना, दुनियादारी वाली बुद्धि को, उसको IQ कहते हैं, बुद्धिअंक कहते हैं, बुद्धि अंक। वो 120, 110, 125 हो गया तो बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे वो PhD करता है आदमी, डबल डिग्री प्राप्त करता है, 10-15 डिग्री प्राप्त कर लेता है, इकोनॉमिक्स में करता है, मेडिसिन में करता है, मैनेजमेंट में भी कर लेता है, और DLit भी कर देता है, MPhil भी कर देता है, PhD भी कर लेता है। तो वो भौतिक बुद्धि है। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि अलग होती है। आध्यात्मिक बुद्धि को ये IQ 125 से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऐसे बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, एटम बम बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, हाँ, और अपना नाश कर लेते हैं। तो रावण के पास भी बहुत बुद्धि थी, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि थी। रावण, कंस, जितने भी महा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कितनी बुद्धि थी उनके पास। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि का अधिष्ठान भौतिकता का सुख था, इसलिए वही बुद्धि उनके विनाश का कारण बन गई। जब बुद्धि का अधिष्ठान, बुद्धि का फाउंडेशन इंद्रिय भोग होता है या भौतिकता होती है, इंद्रिय भोग तो बहुत स्थूल है, और उसके ऊपर क्या होता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सूक्ष्म भोग है। इसके पीछे लगने वाली बुद्धि जो है ना, उसको भौतिक बुद्धि कहते हैं। और ये बुद्धि आपके पास है भी नहीं, आपको ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, आप ज्यादा धन भी नहीं है आपके पास, ज्यादा अधिकार भी नहीं है आपके पास, कोई बड़ा वो अधिकारी भी नहीं हो, आप एक सिंपल व्यक्ति हो, थोड़े से पैसे हैं, छोटे से घर में रहते हैं, इतने ऊंचे कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ऐसी अवस्था में अगर भगवान के विषय में आपको ज्ञान होता है, और ऐसे विषय स्थिति में भगवान के विषय में ज्ञान होने के बाद में अगर आप बहुत ही प्रामाणिक हृदय से भगवान की सेवा में लगते हैं, और आपके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है कैसे करें इसको समझने के लिए, तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति के लिए भगवान हृदय के अंदर से मार्गदर्शन देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। इसके ऐसा और एक भी श्लोक है, जिसके पास प्रामाणिकता है और वो संपूर्ण शरणागति भगवान के चरणों में कर चुका है और भगवान के लिए ही कार्य करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसा और एक श्लोक भगवत गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वैसा ही ये श्लोक है। ये कैसा श्लोक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। कैसा है ये, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते, परि उपासते, अनन्यस यानी और किसी व्यक्ति का मिक्सचर नहीं उसके अंदर, अनन्य है वो, अनन्य, अन्य कोई वस्तु का उसमें प्रादुर्भाव नहीं है, केवल हाँ एको हम कुरुनंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हम कुरुनंदना। वो व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है ना, वो हमको चाहिए, और वो अगर हमारे पास नहीं है तो वो व्यवसायात्मक बुद्धि भी भगवान देते हैं, अंदर से उसकी प्रेरणा देते हैं। बहुशाखम, जिसकी बुद्धि होती है, जिसे चार दिशा में बिखरी हुई है, अभी कथा भी सुन रहा है, साथ में मोबाइल में वो शेयर मार्केट का भी कितना आज का स्कोर हो गया वो देख रहा है, साथ साथ में क्रिकेट का कितना स्कोर हुआ वो भी देख रहा है,
में कोई फिल्म यूट्यूब में सर्फिंग हो गया वो भी देख रहा है, प्रवचन भी सुन रहा है, चार चार दिशा में चार ट्रैक चल रहे हैं उसके, तो उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं कहते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब सब कुछ छोड़ के अन्य अनन्य चिंतन तो माम, मेरा ही चिंतन करेगा सब कुछ छोड़कर, तो उसको कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। एक ही हम, एक ही मैं, एक ही हूं और मेरे ऊपर ही उसका लक्ष्य और चिंतन चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मैं उसकी देखभाल करता हूं, उसके पास क्या नहीं है वो देता हूं, उसके जीवन चलाने के लिए क्या कमी पड़ रही है वो दे देता हूं, उसके कठिनाइयों में उसको सहायता करता हूं। जैसे कर्दम मुनि थे ना, इतने भगवान की सेवा में व्यस्त थे वो एकाग्र होकर, तो पत्नी की इच्छा के अनुसार 9 कन्याओं को जन्म दिया और जन्म देने को जाने लगे, तो पत्नी ने कहा इनकी शादी कौन करेगा, इनको लगा अभी शादी करना, 9 लोगों को ढूंढना है और योग्य व्यक्तियों को ढूंढना है और शादी करने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा विचार कर ही रहे थे, तो उसमें से उधर से ब्रह्मा जी आ गए 9 ऋषियों को लेकर, एकदम परफेक्ट 9 ऋषियों को लेकर आए और तत्काल 9 कन्याओं का विवाह हो गया। इसका मतलब आम व्यक्ति को अगर 9 विवाह करवाने हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो वो सारा टाइम ब्रह्मा जी के तरफ से भगवान ने लगा दिया, उसका जो काम था ना वो आउटसोर्स कर दिया उसको, और उसको जो करना था उसके लिए सहायता किया भगवान ने, है ना। इसको कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, मतलब जो उसकी जरूरत है उसमें भगवान सहायता कर लेते हैं। जा रे भाई जा, 9 ऋषियों को लेकर जा, इसका समस्या का समाधान कर दे ताकि वो तुरंत मेरी भक्ति में लग सके और टाइम पास ना हो उसका। उसकी इच्छा है कि अरे जल्द हो जाए तो मैं भजन कर सकूं, उसकी एकमात्र इच्छा है कि भजन करूं भगवान का। तो ऐसे व्यक्ति का जिसको भगवान के जब भजन करने की बहुत तीव्र इच्छा है, ऐसा व्यक्ति जो है ना उसका सारा जो काम है वो भगवान कर लेते हैं। तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो अगर अपने अपने काम में व्यस्त है तो मैं मेरे धाम में हूं, तेरे लिए अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, अगर तू मेरे नाम में अपने आप को व्यस्त रख रहा है तो तेरे जितने भी काम है वो मैं करूंगा, ते जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, ये कर्दम मुनि के उदाहरण से पूर्ण स्पष्ट होता है। तो कर्दम मुनि 100%, 100% भगवान के चिंतन में लगे हुए थे और आगे भी लगना चाहते थे, तो उनका जो जिम्मेदारी था 9 कन्याओं को विवाह करने का, तो भगवान ने तुरंत कर लिया चुटकी चुटकी भर में। फिर देवावती बोली अभी सब 9 कन्याएं घर पे चले गए, मुझे कौन देखेगा, आप जाएंगे तो मेरा देखभाल कौन करेगा, पुत्र चाहिए, तो फिर पुत्र दिया उनको। तो पुत्र कैसा दिया, जन्म होते ही वो 16 साल का हो गया, उसको सिद्धावतार कहते हैं। सुखदेव जी भी सिद्धावतार थे, वामन देव भी सिद्धावतार थे, कोई बाल्यपन नहीं, ऐसे ही जन्म हो गया तो 8 साल के हो गए, सुखदेव जी 16 साल के हो गए और कपिल देव भी 16 साल के हो गए, तुरंत 16 हो 12 हो जो भी कुछ हो, मतलब बाल्यपन नहीं था। तो क्या है उसको तोतले तोतले बोल बोलना है, दूध पिलाना है, तो बहुत टाइम लगता है ना उसके लिए, तो ऐसा पुत्र दिया जो स्वयं भगवान ही पुत्र बनकर आए, जन्म होते ही इनकी छुट्टी कर दी, नो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिंता मत करना, अपना भजन करने को चले जाना, चले गए भजन करने के लिए। मेरे भी जीवन में यही एग्जाम्पल है, मेरे बेटी का विवाह भगवान ने इस प्रकार से चमत्कार से किया, तो मुझे समझ में आया कि ये तो मेरे बस में नहीं था, तो चमत्कार है भगवान का, तब मुझे यकीन हो गया, कर्दम मुनि के याद आई मुझे कि यकीन हो गया कि अगर हम अपने जीवन में ये निर्णय लेते हैं कि मुझे भगवान के ही सेवा में रहना है, बस कम से कम बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर ये निर्णय लो, बाकी आगे आगे क्या होता है तो भगवान के हाथ में है, वो सैंक्शन करना कि नहीं करना। पहले आप प्रपोज तो करो, प्रपोज ये करना है कि मुझे केवल आपकी ही सेवा में रहना है। अभी मैं जमुना जी की आरती करके आया, तो जमुना जी की आरती में मैं वही प्रार्थना कर रहा था कि मैं केवल आपके ही चरणों में रहूं और भगवान की ही सेवा में रहूं, बाकी मेरा प्रपंच जो है वो देख लीजिए आप, प्रपंच में क्या करना है,
मेरे शरीर का प्रपंच है, मेरे परिवार का प्रपंच है, तो मुझे उसमें रत होने की इच्छा नहीं है। तो भगवान हमेशा ऐसी व्यवस्था करते आए हैं आज तक, कि भगवान ने सहायता की है इसी में लगे रहने की। तो ददामि बुद्धि युगम तम ये नमाम उपयांति थे, मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की ही सेवा में रहने की अभिलाषा करता है, भगवान उसकी देखभाल करते हैं, उसका योग क्षेम संभालते हैं और उसको अंदर से मार्ग भी दिखाते हैं कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसका पूरा गाइडेंस उसको अंदर से देते। और ये मत समझना कि ये गाइडेंस केवल कर्दम मुनि को अवेलेबल था, ये गाइडेंस केवल सुखदेव को अवेलेबल था, हाँ ये गाइडेंस केवल व्यास मुनि को अवेलेबल था, नारद मुनि को अवेलेबल था, नहीं, हर जीव को परमात्मा के रूप में ये मार्गदर्शन भगवान देते हैं, क्योंकि हर जीव के हृदय में बैठे हैं। जितने नारद मुनि के हृदय में बैठे ना, उतने ही आपके हृदय में बैठे हुए हैं, कोई मात्रा ज्यादा कम नहीं है कि आप में 10% है, उनके अंदर 100% बैठे हैं भगवान, ऐसा नहीं है। पूरे 100% भगवान का अस्तित्व आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, केवल हम लोग कॉल नहीं करते उनको, बैंक जाते हैं पैसा मांगते हैं पैसा निकालने के लिए, लेकिन पैसा चाहिए लेकिन बैंक में गए नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा, या मोबाइल में ऐप डाल के उसके अंदर वो पासवर्ड डाल के उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने तो कैसा पैसा मिलेगा, पेमेंट कैसा होगा, उतना तो कार्य करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से हृदय में भगवान होने से क्या होता है, उस भगवान की ओर आप मुड़े ही नहीं, कभी कभी उनको पुकारा ही नहीं, कभी उन पर ध्यान ही नहीं किया आपने, तो भगवान का हृदय में होने से क्या लाभ है, नहीं होने के बराबर है, होकर भी नहीं है। तो अंदर बैठे हुए भगवान के प्रति जागृति हमारी होना, अनुभूति की अनुभूति होना कि भगवान अंदर है हमारे, कदम कदम पर हमको वार्निंग देते हैं, कदम कदम पर हमें गाइड करते हैं, जो अंदर की आवाज होती है कि ये अभी चोरी करके जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, जलेबी सामने है किसी और की है, चोरी करके खाऊं, अंदर से आवाज आती है मत खाओ तुम्हारी नहीं है वो परमात्मा की आवाज है। पैसे पड़े हुए हैं किसी के, $1,000 गोवर्धन इको विलेज में पड़े हुए मिले किसी फॉरेनर के, उठा के जेब में डालो और भागो यहाँ से, ऐसा दिल करता है, तब अंदर की आवाज बोलती है मत कर, ये किसी भक्त के पैसे हैं उसको लौटाने का प्रयास कर, वो परमात्मा की आवाज है, उसको सुनने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। परमात्मा वैसे बिना मांगे भी सलाह देते रहते हैं, हम लोग दुर्लक्ष करते रहते हैं, क्योंकि तो हमारा मन, हमारी बुद्धि मन के वश में पूरी पागल हुई रहती है कंप्लीटली। इसलिए जिस व्यक्ति को कुछ भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल निर्बुद्ध व्यक्ति है, तो क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं बुद्धू नंबर 1 हूँ, मेरे पास कोई अकल नहीं है, कोई सद्गुण भी नहीं है, मैं बस आपके चरणों में हूँ, जो करना है कर लीजिए, जो भी साफ सफाई करनी है, जो भी करना है ऑपरेशन करना है आप कर लो, मैं आपके शरण में हूँ, हाँ अन्य अभिलाषता शून्यम, सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास आया हूँ। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, कुछ नहीं है, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में, कुछ भी नहीं है, श्रद्धा तो है ना, प्रामाणिक भावना तो है ना अंदर की, प्रेम तो आप दे सकते हो ना अंदर से, इसलिए कुछ भी नहीं हो तो स्वेच्छा तो है ना, स्वयं की इच्छा जो है ना, अंदर की इच्छा तो है ना, उस इच्छा को उपयोग करके अगर भगवान को चरणों में हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं तो PhD होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान आपको पूरा अपना लेंगे। और वो व्यक्ति को ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी, उसको पूरा समझ में आएगा कौन सी चीज भौतिक है, कौन सी आध्यात्मिक है, कौन सा करना चाहिए, कौन सी शाश्वत है, कौन सी अशाश्वत है, सबकी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। ददामि बुद्धि योगम त्वम, ऐसी बुद्धि भगवान देंगे उसको जो आवश्यक है उसके लिए, उसको बम कैसे बनाना है उसकी बुद्धि नहीं शायद होगी, तो सॉफ्टवेयर चलाना कैसे उसको पता नहीं होगा, उसको हाई फाई मोबाइल कैसा चलाना है उसको पता नहीं होगा, नो प्रॉब्लम,
लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसको पता है। ऐसी बुद्धि कौन देता है? ददामि बुद्धि योगम त्वम, भगवान देते हैं उसको। भगवान ने वादा किया है ऐसी बुद्धि मैं आपको देता हूं, मैं दूंगा आपको, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए बताइए। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मतलब नियमित रूप से, नित्य रूप से युक्ता नाम, भगवान से युक्त रहना चाहिए हमको, भगवान से जुड़े रहना चाहिए, इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, और प्रीति पूर्वकम प्रेम से भगवान की सेवा करें, लाभ की भावना से नहीं, मुझे क्या मिलेगा ये करने से, मेरी पगार बढ़ेगी ये करने से, मेरी बेटी की शादी होगी ये करने से, मेरी गाड़ी आएगी ये करने से, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, पगार बढ़ेगा, इसके लिए नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, मानस देहो गेहो जो कि चुमो अर्पिलुंतु आपो दे नंदो किशोर, जो भी है ज्यादा है कम है, मानस देहो गेहो, हाँ घर है मेरा, बुद्धि है मेरी, मन है मेरा, पैसा है मेरा, शरीर है मेरा, ज्यादा है अच्छा है बुरा है सुंदर है नहीं है, सब कुछ जो आपकी सेवा में लगा रहा हूं मैं, तो जो भी हमारे पास है वो जब कुछ सब कुछ दे देते हैं ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेते। आपके पास समझो 100 रुपया है और कुछ नहीं आपके पास, वो 100 रुपया पूरा निकल के भगवान को दे दिया, तो भगवान ऐसे ना बंधन में आ जाते हैं कि इसने जो भी था मेरे को लाके दिया, अभी इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। कोई करोड़पति है उसके पास 1 लाख करोड़ रुपया है, उसे 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भगवान को दे दी और सन्यासी बन गया, तो भगवान को ना ये भगवान बाध्य हो जाते हैं, अभी ये धनी व्यक्ति ने पूरा धन मुझे चरणों में रख रख लिया है, अब इसके पास कुछ नहीं है, अब इसकी देखभाल मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मुझे अपने आप को अर्पण कर लिया पूरे 100%। बलि महाराज ने 2 कदमों में सब कुछ दे दिया भगवान को, बाद में स्वयं को भी अर्पण कर दिया, तो भगवान को लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि इसका देखभाल मुझे करना चाहिए, तो उसके पास जितना था उससे बढ़िया भी लोक दिया उसको, सुदर्शन चक्र भी दिया, खुद भी पहरेदार बने, बहुत सारे वरदान दिए जो उसके पास पहले नहीं था, बहुत सारा था पहले उसके, लेकिन वो बहुत सारे में भी पहला कुछ नहीं था वो भगवान ने उसको दे दिया, क्योंकि जो भी कुछ बहुत सारा था उसका, उसको भगवान ने भगवान के लिए उसने अर्पण किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है समझना, इसलिए भजताम प्रीति पूर्वकम, पहले प्रीति नहीं होगी शायद, लेकिन रोज करते रहना चाहिए, एक दिन प्रीति निर्माण होगी, पहले नियम से करना, कर्तव्य से भावना से करना रोज। हाँ सत्व क्या क्या लिखा है इसके अंदर देखो, तेषाम सतत युक्ता नाम, इंपॉर्टेंट क्या है? सातत्य, नियमितता इंपॉर्टेंट है। आज किया, संडे में मूड आया तो 64 माला कर लिया, मंडे को बिल्कुल मूड नहीं, माला ही नहीं किया, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो भी करना है सातत्य पूर्णता से करना है, नित्य नियम से करना है, अच्छा लगे बुरा लगे फिर भी काम पे जाना पड़ता है कि नहीं, बारिश हो तूफान हो गर्मी हो ट्रेन पकड़ के लटक के जाना ही पड़ता है, वैसे ही जितना हम लोग पैसे के लिए करते हैं उससे अधिक भगवान के लिए करना चाहिए। अच्छा लगे, नींद आ रही है, आज सोने का मूड कर रहा है, आज बहुत ज्यादा अच्छा मूड है कि 65 माला कर लूं, ये दोनों ही स्थिति में रोज का कार्य नित्य नियम से कर रहा है भक्त, और वो बाद में फिर उसमें अपने आप प्रीति उत्पन्न होती है, उसे रुचि उत्पन्न होती है, फिर बाद में प्रीति पूर्वक करता है, जब प्रीति पूर्वक करने लगता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक कुत्ता भी आपके घर में आकर बैठ गया ना, तो आपको लगता है कि ठीक है भाई मेरे शरण में आया है तो मैं उसको देखभाल करूंगा, क्योंकि बेचारा मेरे शरण में आया है, और वो शरण में आने की जो बुद्धि है ना, ददामि बुद्धि योगम तम, ये शरण में आने की बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, उसके जीवन में ऐसे घटनाओं को लेकर जाते हैं कि उसको दुनियादारी से उसका ध्यान हटे, उसकी आसक्तियां नष्ट हो जाए। तस्याहम अनुगुणामी, तस्याहम अनुगुणामी शनै शनै, ऐसा एक श्लोक है महाभारत में, कि जब कोई भक्ति व्यक्ति मुझ पर प्रामाणिकता से मेरा भजन करता है ना, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ उसका छीन लेता हूं,
तस्याहम अनुगृहामि हरि हरिष्य तद धनम हरिष्ये तत् धनम शनै शनै। शनै। उसका धन मतलब उसके पास जो भी कुछ है, पैसा है, अधिकार है, जो भी उसका परिवार है, जो भी उसका अटैचमेंट्स है, हरिष्ये तद्धनम शनै, धीरे धीरे उसको काट देते हैं भगवान, ताकि वो उनके शरण में आ जाए। शरण में आने के बाद पूरी देखभाल भी करते हैं उसकी, शरण में आने की व्यवस्था भी करते हैं और शरण में आने पर देखभाल भी करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या मतलब हो गया उसका, अपने को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मालिक की शरण ले रहे हैं तो दुनिया को चलाने वाला है, तो व्हाट इज द टेंशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सब बातें जो है ना वो हमें सत्संग में सीखने को मिलती है। इसलिए सब कुछ भूल जाओ। अभी आते वक्त मुझे लड़का प्रश्न पूछ रहा था, अभी मैं लेक्चर देके आ रहा था मान मंदिर से, तो एक एक प्रभु जी मिले, वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी क्या करें, रामायण और गीता यही पढ़ने का दिल कर रहा है, लेकिन जब ऑफिस जाते हैं तो पैसा कमाने का दिल करता है, तो वही मन भटक जाता है। जब जब घर पे आता लगता है कि अरे मैंने गीता रामायण पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तो ये क्या करे अभी, जब घर पे आते हैं तो लगता है ये करें, वहां जाते लगता है वही करते रहे, पैसे की जरूरत है। तो मैंने कहा एक ही करो, जब के समय पे जब करो, 8 घंटा काम के समय पे काम करो, धन कमाओ, घर पे आने के बाद में भगवान का पूजन और प्रचार में लगो, गीता रामायण पढ़ो। जब रविवार आता है तो पूरा प्लान बनाओ कि कैसा समय, 8 घंटे बच रहे को क्या करूं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली, दशहरा, छुट्टी आ गई तो क्या करना है पहले से प्लान करके रखो, वेकेशन मिल रहा है 10 दिन का तो क्या करना है पहले से प्लान कर रखो। मतलब अपने अपनी जगह पर अपने अपने काम रखो, उसको मिक्सचर मत करो, यहां से वहां, वहां से वहां मत करो। जप के समय जप करो, काम के समय काम करो, भजन के समय भजन करो, सेवा के समय सेवा करो, तो सारे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और एकदम लगन से करते रहो, उसमें कोई गड़बड़ मत करो। रोज सवेरे उठो ये जानकर कि इस दुनिया के विषयों में कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ लगता है अच्छा, अट्रैक्टिव, आकर्षक लगता है, लेकिन पास में जाने से सर टकराता है और मिलता कुछ नहीं है, केवल भूल भुलैया का दर्शन है। ये हमको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में तब आता है जब हम रोज नित्य नियम से समय पर जप करते हैं और नित्य नियम से सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे इन विषयों की वासना छूट जाती है। धीरे धीरे कोने हो, स्लोली स्लोली, शनै शनै वो छूट जाती है। लेकिन नित्य नियम से जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, रोज ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, रोज सोते हैं नित्य नियम से, वैसे नित्य नियम से फिक्स समय पर हमको जप करना चाहिए। नहीं तो हर रोज हर समय माया आपको भूलभुलैया में खींच लेगी, ये भी अच्छा है, ये खा लो, ये पहन लो, ये पैसा लो, ये प्रगति करो, ये गाड़ी ले लो, ये होना चाहिए, 4 बंगले होने चाहिए, गांव में जमीन होना चाहिए, इतना सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये सब आपको लगेगा सही है और उसी में आप समय देंगे। लेकिन नित्य नियम से ठीक समय पर वो कार्य करते रहेंगे तो एक दिन जरूर आपको भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होगी, दुनिया से विरक्ति उत्पन्न होगी अपने आप ही, और वो विरक्ति अकेले नहीं होगी, भगवान के प्रेम के साथ उत्पन्न होगी वो। यानी जब भगवान के प्रेम उत्पन्न होगा तो साथ साथ अपने आप विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ऑटोमेटिक है वो, दोनों पर एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। तो जब भगवान पर प्रेम करने लगेंगे, प्रयत्न पूर्वक, नियम पूर्वक भगवान से प्रेम से सेवा करते रहेंगे, तो अपने आप प्रेम के उत्पत्ति के साथ साथ आसक्तियां अपने आप भाग जाएंगी, उसमें कष्ट नहीं होगा छोड़ने में, उसको वो सहज हो जाएगा। हाँ क्या कहते हैं उसको, यत कत्वान निवर्तन्ते तत् धामम परमम, रसो वही अपसकौन्ते, यानी वो उच्च हायर टेस्ट है। जब ये उच्च अभिरुचि उत्पन्न होती है तो अपने आप हीन अभिरुचियां नष्ट हो जाती है। जब सुंदर सुंदरतापूर्ण पत्नी मिलती है तो बाकी औरतों के प्रति लक्ष्य निकल जाता है हमारा। तो उच्च अभिरुचि उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, और उच्च अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए सत्संग जरूरी है, भगवान के नाम का भजन जरूरी है। तो ऐसे अवस्था में
बुद्धि ही क्यों, बाकी जो भी कुछ चाहिए वो सब भगवान करेंगे। ददामि बुद्धि योगम, तब तो करेंगे ही करेंगे और योगक्षेम भी योग का देख लेंगे वो। खाली हमको क्या करना है, अनन्यस चिंतयन्तु मां, हमको क्या करना है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, जिनको कोई प्रश्न है अपना हैंड रेज करिए। तब तक प्रभु जी मैं एक प्रश्न पूछूं, तब तक लोग हैंड रेज कर रहे हैं बहुत लोग। हाँ प्रभु जी, इसमें जो भजते भजताम प्रीति पूर्वकम जो शब्द आया है भजताम, तो जो भजन जो शब्द है उसका थोड़ा व्याख्या करेंगे। भजन का अर्थ दो होते हैं। भजन का एक अर्थ होता है कि आप बैठकर भगवान के नाम का जप करें, और दूसरा अर्थ है भगवान की सेवा करें। जैसे नित्यम भागवत सेवा का कैसे कैसे दो अर्थ होता है, एक है भागवत पढ़े और एक है भागवत पुरुष की सेवा करें। तो उस तरह से भजताम का अर्थ एक है कि आप भजन करें, एक्चुअली बैठ के भगवान के नाम का जप करें, और दूसरा भजन का अर्थ है डिवोशनल सर्विस, यानी एक्टिवली सेवा करें। जब तक भगवान की हम सेवा नहीं करते हैं तब तक कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक भगवान का नाम का जप नहीं करते हैं तब भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति निर्माण नहीं होगी। इसलिए भगवान का जप करना चाहिए ताकि भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति निर्माण हो, और भगवान की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तो भगवान का प्रेम हो। बिना सेवा किए कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रेम केवल महसूस करने की बात नहीं है, प्रेम केवल फील करने की बात नहीं है, प्रेम ये व्यक्त करने की बात है। व्यक्त कैसे करना है, सेवा के माध्यम से। विदाउट सर्विस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव। मुंह बोला प्रेम नहीं होता है, सेवा करने से ही प्रेम उत्पन्न होता है, सेवा करने से ही प्रेम की वृद्धि होती है, सेवा करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भजताम का दो अर्थ है, एक भजन करना भगवान के नाम का और एक भगवान की सेवा करना। और क्या प्रश्न है? फिर जो भजनानंदी जो है, जिनको हम लोग भजनानंदी बोलते हैं, तो वो लोग तो कोई ऐसे अगर हम लोग देखें तो कोई प्रैक्टिकल सेवा तो कर नहीं रहे हैं उसमें, मुझे पता नहीं। हाँ। उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, जो भगवान का भजन प्रेम से करते हैं उनसे भगवान रीत जाते हैं, और हम लोग बैठेंगे अगर 24 आवर भजन करने के लिए हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, भगवान में प्रेम तो है नहीं, तो हमको वो सेवा करने की जरूरत है। प्रभुपाद ने क्या बोला था, एक्चुअली स्पीकिंग जब 24 घंटा करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तु माम यतन तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत से सतत 24 आवर्स भजन करना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको 16 माला जप करने के बाद दिन भर सेवा करना है ताकि इंद्रियां जो है वो भागे नहीं, और एक बार इंद्रियां भागने से बचेगी तो आपको बैठ कर ही भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जप करना में आनंद आएगा आपको, तभी हम उसके योग्य हो जाएंगे। और भगवान के भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भजनानंदी, एक होता है गोष्ठानंदी। दोनों अगर प्रेमी भगवान के हैं तो दोनों योग्य स्थिति में हैं। एक व्यक्ति जैसे अकिंचन कृष्णदास बाबा की तरह है जो दिन भर भगवान के नाम का ही जप करते थे, लेकिन प्रेम था उनके अंदर भगवान का, मैकेनिकल का नियम नहीं था उनका। और एक प्रभुपाद जैसे हैं तो सब जगह भ्रमण करके लोगों को प्रचार कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। तो एक प्रवृत्ति होती है, वो हम लोग अभी तय नहीं कर सकते कि मुझे भजनानंदी बनना है, मुझे गोष्ठानंदी बनना है, ऐसा नहीं। जैसे आपका हृदय शुद्ध होगा ना, आपको अपने आप अंदर से वो प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी आपके अंदर, क्या प्रवृत्ति है। और एक आदर्श भी है प्रहलाद महाराज का, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे भगवान पर प्रेम निर्माण होता है तो भगवान मुझे हिमालय में एकांत में नहीं रहना है, मुझे शहर में आके बैठना है जहां पर लोग इंद्रिय में भोग में लगे हुए हैं, वहां पर मुझे आकर उनको बचाना है, तो कृपया करके मुझे हिमालय में मत रखिए आप गुफा में, मुझे आप उन लोगों के बीच में रखिए जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ताकि उनको मैं वहां से बचा सकूं। तो ये भजनानंदी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन में गए, भजनानंदी बने कुछ समय के, लेकिन वो वहां से गए, बाद में फिर विश्व प्रचार किया उन्होंने।
ये इंपॉर्टेंट है समझना। थैंक यू। हमारा संप्रदाय गुस्सा नंदी है, भाई पर भजन और दिन भर भगवान के लिए सेवा। हरी बोल। विशाखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिस इज अ हंबल ऑब्लिगेशन प्रभु जी। आवाज आ रही है? यस 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 आ रही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे मन में एक्चुअली बहुत हैवीनेस था इससे पहले, और आई वाज थिंकिंग कि चैंटिंग भी किया एवरीथिंग पूरे दिन में, बट इट वाज नॉट गोइंग। और आपका क्लास सब कुछ ऐसा डिजाइन था ना प्रभु जी, तो आई एम फीलिंग सो फ्री ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय तो आपके घाट घाट खुल गई आज अब और भी बनेगा और आपका क्लास चाहिए प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वन क्वेश्चन आई हैव। यस जैसे ना आपने बोला था कि वी नीड नॉट टू वरी कि कुछ चीजों के लिए, बस हम भगवान को प्रेम करने का प्रयास करें। और पर कभी कभी ऐसा होता है ना प्रभु जी कि जैसे धाम यात्रा हो गया या कहीं पे जैसे हाउस प्रोग्राम्स हो गया या प्रोग्राम्स हो गया, रिट्रीट्स हो गया, तो वहां पे जाने के लिए होता है ना टाइम रहता है काफी, तो ऐसा लगता है कि मन में कि कुछ ऑब्स्टिकल ना हो जाए, तो बहुत चिंता रहती है मन में। तो इसमें हम जैसे ये चिंता ठीक है कि हम फेथ नहीं कर पा रहे भगवान पे, ऐसा चिंता ठीक है कि हम एक कुछ बाधा ना आ जाए या ऐसी चिंता रहती है तो यस, लेकिन हमको विश्वास पूर्वक चलना चाहिए हमेशा, हर जगह डाउट नहीं करना चाहिए। गाड़ी रुकेगी क्या, ट्रैफिक मिलेगा क्या, मैं टाइम पे पहुंच सकूं क्या, कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ऐसा डाउट में रहना अच्छा नहीं है। श्रद्धा के साथ करना चाहिए, भगवान का नाम लेकर चलना चाहिए, और बाकी जो होता है वो ओके होना चाहिए, दैट्स ऑल। संकट आए तो भी ओके है, नहीं आए तो भी ओके है, लेकिन भगवान का नाम लेके कार्य शुरू करना है। अभी हम लोग निकलते हैं ना मीरा रोड से गोवर्धन इकोले जाने के लिए, तो सोचते क्या है कि एक घंटा में पहुंच जाए, लेकिन कभी कभी बहुत ट्रैफिक लगता है, चार घंटा में पहुंचते हैं, कभी एक घंटा में पहुंचते हैं, कभी दो घंटा में पहुंचते हैं। तो भगवान का नाम लेके निकलते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, एक घंटा हो, दो घंटा हो, चार घंटे हो, अपने को तो नाम भजन करते करते पहुंचना है, तो जल्दी पहुंचा दिया थैंक यू वेरी मच, लेट हो गया तो भी थैंक यू वेरी मच, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चिंता करने से क्या होगा, चिंता करने से स्थिति बदलती नहीं है, चिंता करने से स्थिति वैसी रहती है, तो चिंता करने से लाभ क्या है। इसलिए भगवान का भक्त कैसा है, कृष्ण भक्त निष्काम अतो एव शांत शांति का मूल मंत्र यही है, जस्ट कीप चैंटिंग द होली नेम एंड लीव एवरीथिंग ऑन द लॉर्ड, भगवान सब देखभाल करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बहुत कुछ समझ में आया। जैसे कि आपने प्रभु जी शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी भक्त होता है वो सब कुछ समझता है कि हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बावजूद भी हम कर्म फल की प्राप्त इच्छा में हम लगे रहते हैं, फंस जाते हैं या कुछ जैसे फंस जाते हैं, जैसे कि कोई हमको काम करना है या बच्चों की शादी करनी है या कुछ भी करना है, तो जैसे परिवार के जो जो हमारे स्पेशली गृहस्थ भक्त हैं, तो अगर उनके बच्चों की जिम्मेदारी है तो ये तो स्वाभाविक है प्रभु जी कि उनके मन में चिंता रहेगी कि बच्चों की शादी करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। उसका आंसर भी एक ही है, अगर आप 100% भगवान के सेवा में शरणागत है, आपकी सारी जिम्मेदारियां भगवान आसानी से पूरी कर देंगे। मेरा ये व्यक्तिगत एग्जाम्पल उदाहरण है, मतलब अनुभव है मेरा खुद का। हाँ, जो आपने भी अभी बताया था कि आपकी बेटी की शादी जिस तरीके से, आपको पता ही नहीं चला कि कैसे हो गई, और ऐसी कोई कई चीजें है, वो तो एक बताया मैंने आपको, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो चमत्कारिक दृष्टि से हुई है। तो हम लोग खाली सोचते हैं कि मैं चिंता करूंगा और फिर मैं करूंगा उसको, मैं मेहनत करूंगा,
सबसे पहले बात यह है कि हम कर तो कुछ सकते नहीं है, हमको खाली हाँ बोलना है भगवान को, सरेंडर करना है। कर क्या सकते हैं, ट्रैफिक जाम है तो क्या कर सकते हैं आप, आपका विमान तो नहीं है हवा में उड़ने के लिए, लगता है कि अभी उड़ के चला जाओ आगे, लगता तो है ना मन में, अगर मेरे गाड़ी को पंख होते तो मैं अभी विमान बन के उड़ता आकाश में और आगे जाके चला था रोड पे उसको, लेकिन कर तो सकते नहीं ना आप। जब भगवान की इच्छा ट्रैफिक खुलेगा तब आगे जाएंगे आप। तो चिंता करने से क्या लाभ होता है बताओ आप, चिंता करने से वो स्थिति बदलती है क्या, नहीं बदलती। बेटी की शादी करनी है आपको, है ना, चिंता करने से क्या होगा, जब उसका योग्य समय आएगा तो झट मंगनी पट शादी हो जाएगी उसकी, ये भी हमारा अनुभव है। जब तक हम लोग उस विषय में ज्यादा अटैच थे तब तक इतना घर में तमाशा हो रहा था, जब हमने उसको छोड़ दिया, जब होना है होने दो उसको, अभी अपना काम तो भी जब हुआ तभी करने का उसको, तो शांति रही 2.5 साल तक। और अचानक एक दिन ऐसा स्थिति हो गई, अपने आप सब 4 महीने में खत्म हो गया, ना धन की व्यवस्था थी, ना कुछ तैयारी थी, ना कुछ स्टॉक था, कुछ है था ही नहीं, बस हाथ ऊपर किया भगवान को, बोला भगवान अभी आपको ही करना है, और भगवान ने किया भी उसको, और हम चमत्कार देखते रहे। ये इस जीवन की बात कर रहा हूं मैं, पिछले जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब होता है प्रभु जी। आप ना एक बार उन पर भरोसा रखे तो देखो, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, गारंटी लिख के रखो। आपको हर स्थिति में करना है, हाथ ऊपर उठाओ और भगवान को राधा रानी को पुकारो कि आपको ही संभालना है, मैं तो आपके शरण में हूं। ऐसा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और कोई पूछने वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम में भी प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने सचिन गुप्ता प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर दिया, ऑलमोस्ट मुझे आंसर मिल चुका है लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे। प्रभु जी, भक्ति के पथ पर चलते चलते हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो भौतिक समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो नहीं है, एक्चुअली नहीं है, जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी हमारी ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि हर वक्त सॉल्यूशन चाहते हैं किसी ना किसी चीज का। कुछ बच्चे की कुंडली में दोष आ गया तो पंडित के पास भी जाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और अपनी तरफ से मतलब बाज नहीं आते एक तरह से, ये मतलब मैं शब्द यूज करूंगी तो इस नहीं, नहीं, देखो ऐसा है माता जी, हाँ जी, सब करना गलत नहीं है वो, हाँ आप क्या कर रहे हो, डू द नीडफुल कर रहे हो जी, खा रहे तो क्रोसिन खा रहे हो, ये गलत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ना एक कर्ता की भावना होती है कि मैं करता हूं, मैं आई एम द डूअर, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द कंट्रोलर, ईश्वर हम अहम भोगी, ये भावना अच्छी नहीं है। अभी कुछ तकलीफ हो गई समझो तो उसका इलाज करना कोई गलत काम नहीं है, बुखार आया टाइफाइड हो गया दवा लेना गलत काम नहीं है, ऐसा नहीं भगवान आप ही देख लो ठीक कर लो टाइफाइड मेरा, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान ने उसके रास्ते दिए आपको, है ना, लेकिन वो करते समय ये मेरी इच्छा ऐसा होना चाहिए, एक दिन में ठीक होना चाहिए, कल काम पे जाना है, भगवान मैंने बेटी की शादी करने का निर्णय लिया है 3 महीने में हो जाना चाहिए, ये कंट्रोलिंग सिचुएशन है। चरण का मतलब क्या है, आप करो अभी आपकी इच्छा से जैसे करना है वैसे, मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, देखो भगवान मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, अगले महीने शादी बेटी की होनी चाहिए, ये शरणागति नहीं है, तो ऑर्डर दे रहे भगवान को। तो पॉइंट इज दिस, अपने को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, जो भी आपका कर्तव्य है, जैसे कि बेटी की शादी कर, लड़का ढूंढना आपका कर्तव्य है, आप ढूंढते रहो, लेकिन मैंने ढूंढा तो पहले ही शादी होना चाहिए, एक लड़के के ढूंढने के बाद में वो आपका काम नहीं है, आपका काम ढूंढना है, आपका कर्तव्य ढूंढना है, आप ढूंढते रहो, जो लड़का के साथ शादी करना नहीं भगवान को, भगवान बराबर आके खड़ा करेगा, शादी कर देगा, उसकी जब मर्जी होगी जब समय रहेगा तब करेगा वो, उसको हम डिक्टेट करते रहते हैं, भगवान अभी तो इतना दिन हो गया बच्चा नहीं हुआ, क्या कर रहे हो आप, सो रहे हो क्या, मेरे सहेलियों को 4-4 बच्चे हो गए, मुझे क्यों नहीं हो रहे, आप क्या कर रहे हो कि नहीं हो, आप किधर हो आप, ये जो है ना ये कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर कुछ करना है आपको तो करने के लिए करना, मतलब कोई गलत काम नहीं है, वो तो आपका कर्तव्य है।
उसको कंट्रोल मत करो, आपका कर्तव्य करते रहो, फल मिले ना मिले आप अपना ड्यूटी करते रहो। 10 साल लगेंगे बच्चा ढूंढने के लिए, थोड़ी ढूंढते रहो, 10 साल के बाद लड़का मिलेगा, शादी हो जाएगी, अरे दुनिया ये लड़का दुनिया में ही था, पहले 10 साल पहले क्यों नहीं मिला, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जिस समय मिलना है और जिस समय शादी होनी है उसी समय होगी, इसलिए चिंता करने से कोई भी स्थिति बदलती नहीं है, ध्यान रखना। चिंता और दुनियादारी का चिंतन जब तक कर रहे हैं ना तब तक सुख प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान रखना। भोग का चिंतन और भोग के विषय में चिंता, पैसे के विषय में चिंता और पैसे का चिंतन, ऐसे हम बहुत सारे बोल सकते हैं। इसमें से ये इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार की चिंता जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमें कभी भी सुख प्राप्ति नहीं होगी। भगवान तो बहुत दूर की बात है, सुख भी नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा जी, जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। करुणा करुणा शक्ति देवी दासी, करुणा सखी देवी दासी। और कोई? हाँ, शक्ति स्वरूप माता जी पूछिए। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने श्लोक को एक्सप्लेन किया। श्लोक है ये चारों, तो हम लोग चाह रहे थे कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको हम लोग समझे, तो बहुत सुंदर आपने समझाया प्रभु जी। जैसे नित्यानंद प्रभु ने जो क्वेश्चन किया था तो वही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, लेकिन उसका आंसर बहुत सुंदर दिया आपने। हाँ जी, की हम जो नित्यानंद राम प्रभु ने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि हम लोग 2400 घंटे किस तरह से भगवान की सेवा में लगे रहे, वो भी ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक कैसे, क्योंकि ग्रस्त लाइफ है तो ग्रस्त लाइफ के अंदर तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो मन भी वहां लगा रहता है, बुद्धि भी उसी के बारे में सोचती रहती है, हम सेवा भी करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो प्रेम नहीं दे पाते उस सेवा में ना जो देना चाहिए हम लोग। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए 3 चीजें करनी चाहिए आपको। हाँ जी, एक है इच्छा। हाँ जी, पहले इच्छा करो कि मुझे ऐसे करना है। दूसरा आपको निश्चय करना है कि मेरी इच्छा को निश्चय पूर्वक मुझे निभाना है। और तीसरा क्या है? कनेक्शन, आपको भक्तों के संग साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहिए जो आपको भगवान का कनेक्शन देगा। तो इच्छा, निश्चय और कनेक्शन ये होगा ना तो आपको भी एक दिन रुचि निर्माण हो जाएगी भगवान के लिए प्रेम की, प्रेम भजताम प्रति पूर्वकम, ये हो जाएगा आपके जीवन में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसे ही नहीं बताया है आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, नहीं, जो नामुमकिन है वो नहीं बताया है, जो मुमकिन है वही बताया है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रति पूर्वकम, ये मुमकिन है इसलिए बताया, नहीं मुमकिन है तो नहीं बताते हो। तो भगवान कोई सैडिस्ट नहीं है, भगवान आप पर प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं कि उनके पास आप आए, तो आपको वही बता रहे हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन निश्चय की कमी होती है। निश्चय आपके अंदर होगा ना तो ये सब आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग सेवा करते हैं, कुछ सेवा करते 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 पता नहीं कहाँ से कैसे भक्तों में हम अपने लिए जैसे बता रहे हैं कि आत्म सम्मान की जो भावना आ जाती है, तो मुझे वो आत्म सम्मान की भावना कौन देता है आपको? आपका मन देता है। मन की सारी बातें मत सुनो, मन की सारी कहानियां सच नहीं होती है, कहानियां ही कहानी होती है। मन की सारी बातें मत सुनो, अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो मन की बातें सुनना बंद करो। मन क्या बोलता है? मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, जब यहाँ बिठाना चाहिए, हार पहनाना चाहिए, अलग जगह देनी चाहिए, मैं तो सीनियर हो गया हूँ। हाँ, ये सब मन की बातें छोड़ो आप, मन की बातें सुनते रहेंगे ना तो भगवान कभी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा है। तो ये आत्मसम्मान मिलना चाहिए ऐसी भावना कौन बोलता है आपको? मन ही बता रहे हैं, सुनो तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ करो उसके लिए, बताओ कि मैं डॉक्टर हूँ, बताओ कि मैं सीधे माता जी हूँ, उसमें नहीं सुनना चाहिए। हम सुनते रहते हैं उसकी बातें, इसलिए हम लोग बैठ जाते हैं। क्योंकि प्रभु जी मैं आपको 18-19 साल पहले भी आत्मा सीरियल में जो मॉर्निंग प्रोग्राम था हमारा
टाइम भी मैंने सुना प्रभु जी आपको कंटिन्यू सुना समय से, और तो जी उसमें भी आपका जो भाव था बोलने का वो यही था जो मुझे आज भी दिख रहा है। अरे बाप रे, अच्छा बहुत साल हो गया इसको, 20 साल हो गया अभी इसको। प्रभु का जो देवकी नंदन प्रभु का आपका उस समय मैंने सब सुनी थी, और मेरा उस समय में शुरुआत था, मैं जस्ट स्टेप रखा ही था इस्कॉन के अंदर, तो मेरा सबसे मैं जुड़ी हुई हूँ और आपको कंटिन्यू जैसे जब भी मौका मिलता है सुनने का सुन पाती हूँ, दर्शन भी हुआ वृंदावन में आपसे। तो जी ये स्थिरता जो है भक्ति में आपकी और बिल्कुल जो एकदम से समर्पित है भगवान को सेवा भाव, तो जी उसका जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा शेयर कीजिए कि हम भी इस तरह से। यही की वही बात है, मैं आपको जो उत्तर दिया ना पहले, वही बात है, इच्छा निश्चय और कनेक्शन, बस यही उसका रहस्य है। वो इच्छा बनी रही निश्चय पूर्वक और संग भी बना रहा हमेशा, छोड़ा नहीं कभी उसको, इसलिए 20 साल पहले जो बोला था वो भी आज ही वही बोल रहा हूँ, क्योंकि सत्य तो वही था 20 साल पहले भी, आज भी वही सत्य है, बदल थोड़े है वो। जो जो विषय पर हम लोग बोल रहे हैं वो विषय शाश्वत विषय है ना, तो उसके अंदर जो बताना है वो 100 साल पहले भी वही बताएंगे, 100 साल के बाद भी वही बताएंगे, और उसमें कनेक्टिविटी सत्य पूर्ण संपर्क जो भगवान का भक्तों का ना वो होते रहना चाहिए बस। कहीं भी कुछ हो, दिन भर भजन भी नहीं हो रहा है तो भगवान के भक्तों की सेवा होती रहनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की ब्रजवासियों की सेवा होती रहनी चाहिए और वो छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा लगे बुरा लगे, सम्मान मिले नहीं सम्मान मिले, वो करते रहना चाहिए, उसी में से हमारा वो भाव बनाए रहता है, बने रहता है, और कोई रहस्य नहीं उसके अंदर, कोई हम लोग संत लोग नहीं है, कोई जादू नहीं कर रहे हैं, कोई मंत्र ऐसा नहीं बोल रहे जो हमारे पास है आपके पास नहीं है, वही मंत्र मैं बोल रहा हूँ वही मंत्र आप भी बोल रहे हैं। भक्तों की सेवा जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए, भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के जीवन में, हमारे जीवन में भक्त नाम की व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा हो बड़ा हो, कल आया हो पहले आया हो, जो पुराना हो नया हो, जो भी भक्त है भगवान का नाम लेता है उसको ये न के न प्रकार न संतुष्ट करते रहना चाहिए, समाधान करना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए अपने कार्यों से, यही रहस्य है उस भाव का, तभी ये भाव प्राप्त होता है भगवान के चरणों में। क्या बोलते हैं भागवत में सेकंड अध्याय में पहले स्कंद के, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निशे बनात, महत सेवया मतलब जब महात्माओं की सेवा में हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या है वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न होती है, भगवान की कथा में रुचि कब उत्पन्न होती है, जब हम स्यान महत सेवया विप्रा करते हैं, महत सेवया महान भक्तों की सेवा जब करते हैं तो भगवान के विषय में रुचि भाव उत्पन्न होता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। ठीक है और कोई प्रश्न किसी का है? एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड कौन है अनम्यूट को? ये जो ये माता जी का शक्ति स्वरूप माता जी का म्यूट कर दो। हाँ और कोई प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा गुरु जी, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ जी। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा गुरु जी, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको वीडियो ऑन किए बिना मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा, अंधेरे में बात नहीं। हाँ या वीडियो आ रहा है देखिए। बोलिए। आ गया। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए ना। गुरु जी मेरा क्वेश्चन था कि भगवान जो आप बता रहे हैं कृष्ण जी इस पृथ्वी पर क्या किसी ने उनको पाया है अभी तक? अनंत लोगों ने पाया है उनको, अनंत लोगों ने पाया है,
आप उनसे मिले नहीं अब तो क्या? हाँ मैं बिल्कुल मिला नहीं हूँ ऐसे व्यक्तियों से, क्या आप मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो जिनसे मैं संपर्क कर सकूं? अभी एक तो मेरे गुरु महाराज हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। तो मैं उनसे अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं कि वो मुझे कुछ अनुभव करा सकें। अनुभव ऐसे ही खरीदने वाली चीज नहीं है, अनुभव अनुभव खरीदा नहीं जा सकता कभी भी, अनुभव करने के लिए महसूस किया जा सकता है। सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात सुनिए, आपने अच्छी बात बताई है। अनुभव अगर आपको चाहिए तो आपके लिए उसके लिए पहले कुछ त्याग करना पड़ेगा, अपना समय का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, साधना करनी पड़ेगी निश्चय पूर्वक। लेकिन वो मैं तब करूंगा ना जब मुझे कुछ महसूस होगा। देखिए मैं कैसे मान लूं मैं आपकी बात? आप ऐसा नहीं कह सकते कभी कि पहले मुझे पेशेंट को हाथ लगाने दो फिर मैं पढ़ाई करूंगा मेडिकल। पहले मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है फिर आपको मरीज को हाथ लगाने को मिलता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होती है। उसके अंदर हमें कुछ दिखाई तो देता है कि हमें क्या करना है, लेकिन इसमें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें किसके बारे में क्या करना है? बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ये पढ़ाई करो तो आप ये बन जाओगे, डॉक्टर बनोगे, जज बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, कुछ भी, लेकिन इसके अंदर तो हमें बस बोलते हैं भगवान की वो जो है आप लगन करो, मतलब जो भी है प्रार्थना करो, उनकी स्मरण शक्ति करो, तो वो किसकी करें? तो हमें तो भगवान कभी देखा नहीं ना, कैसे करें? इसलिए शास्त्र कहता है कि पहले थोड़ी श्रद्धा रखो, कुछ समय के लिए क्यों ना हो थोड़ी श्रद्धा इन्वेस्ट करो कि भगवान है। श्रद्धा जी मैंने बहुत टाइम से रखी लेकिन मुझे कभी कुछ ऐसा लगा नहीं। तो थोड़ी श्रद्धा रख के उनके नाम का जप करो प्रेम से, तो आपको अपने आप ही अनुभूति तभी से आने लगेगी। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है, जिस दिन मैंने पहली बार श्रद्धा रख के मेरे मित्र के कहने के अनुसार चार माला जप करना शुरू किया, मुझे तब से ही भगवान की अनुभूति होने लगी। मुझे बात अगर गुरुजी अनुभूति हो अनुभव हुआ है आपको तो आप दूसरों को भी कराई सकते हैं मेरे हिसाब से। तो वही मैं वो जिस फॉर्मूला से मुझे अनुभूति हुई फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बटन दबाया तो लाइट लगी, तो आपको प्रकाश देखा तो मैं क्या बताऊंगा, आप ही बटन दबाओ फिर लाइट लगेगी और प्रकाश दिखेगा आपको, है ना? तो वो बटन दबाने का काम आपको करना पड़ेगा, वो स्पून फिटिंग नहीं होता है उसके अंदर। इसलिए जिस रास्ते से मुझे भगवान की अनुभूति होने शुरुआत हुई वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी वैसा ही करो। जब मैंने हनी खाया तो मैंने पहले बोतल खोली और फिर उंगली से हनी लेकर मुंह में डाला और चाटा उसको, तब मुझे मिठास मालूम पड़ी। तब मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी बोतल ले लो और वो खोलो और उसको मुंह में डालो फिर आपको मिठास लगेगी। वैसा हाँ, ही तो कितने टाइम के लिए सर? मैंने कहा ना आपको, जिस दिन मैंने श्रद्धा पूर्वक मेरे दोस्त के कहने के अनुसार मेरे जीवन में चार माला करना शुरू किया तो मुझे उसी दिन से अनुभव होने लगा, और उस अनुभव के आधार पर ही मैं आज तक करते आ रहा हूं। ये भी ध्यान रखना, अगर मुझे वहां अनुभव नहीं आता तो मैं माला फेंक देता, बेकार है सब ऐसे बोलता। लेकिन क्योंकि वो अनुभव मुझे मिलता रहा इसलिए मैं करता रहा और अधिक अधिक अनुभव प्राप्त करता रहा और करता रहा और करता रहा, इसलिए आज तक करते आ रहा हूं। अगर वो बीच में नहीं मिलता तो मैं छोड़ देता उसको, लेकिन वो कभी कम नहीं हुआ, वो अनुभूति होते रही और होते आज भी हो रही है, और आगे जाकर ऐसे भी अनुभव हुए हैं कि साक्षात भगवान है मेरे साथ, दिखने रहे लेकिन है, ऐसे अनुभव भी होते हैं, ऐसे प्रसंग भी भगवान ने अपने जीवन में लाए हैं। इससे भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन उनके होने का बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव हुआ। तो ये रास्ते में चलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ छोड़ के आना पड़ेगा आपको करने के लिए, तो आपको जरूर, आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। बिना सैक्रिफाइस किए हुए दुनिया में कुछ प्राप्ति नहीं होती है। पैसा भगवान तो छोड़ ही दो, पैसा भी नहीं मिलता है, अच्छी बीवी भी नहीं मिलती, अच्छा पढ़ाई भी नहीं मिलती है, विद्या भी प्राप्त नहीं होती। बिना त्याग किए बिना परिश्रम किए कभी भी उच्च वस्तु प्राप्त नहीं होती। वो सब तो ठीक है कि ऐसी चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे आपने बोला अच्छी बीवी
पढ़ाई पैसा जो भी कुछ है, लेकिन ये हमें दिखता है कि हमें ये प्राप्त करना है, लेकिन इसके अंदर तो हमें कुछ दिखता ही नहीं कि हम क्या प्राप्त करें। तो आपको दिखाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, उस श्रद्धा की मूल्य चुकाने पर आपको दिखाई पड़ेगा। श्रद्धा के बिना, आप देखो अमेरिका में जो बाइडेन बैठा हुआ है, तो आपने देखा भी नहीं, टीवी पर नहीं देखा है, यूट्यूब पे देखा नहीं है, लेकिन आपने सुना है कि वो जो बाइडेन नाम का व्यक्ति है। तो वो कोशिश करें तो देख सकते हैं उनको। नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, वही एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो आपके प्रश्न का उत्तर है। आप कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा वो। लेकिन कितनों ने कोशिश की है, मैं मेरे घर में खुद है ऐसे बहुत सारे जो काफी टाइम से सत्संग में भी जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनके अंदर कोई ऐसी बड़ी सुधार की बात है। इसका कारण क्या मालूम है आपको? जब तक हमारी आसक्तियां दुनिया में बनी रहती है, तब तक आप कोशिश करने पर भी उसका लाभ नहीं होता है। आपको मतलब विचार करना पड़ेगा और सही रास्ते पे आना पड़ेगा। आपने खत लिखा है, उसको पेस्ट भी किया है, स्टैंप भी लगाया है, एड्रेस भी लिखा है, लेकिन अभी तक आपने उसे सही पोस्ट ऑफिस में डाला नहीं है। तो जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक वो उस स्थान पर नहीं पहुंचता है। इसलिए आपने कहा बहुत लोगों ने मेहनत की आपके घर पे, बहुत लोगों को अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं प्रक्रिया में गलती है। प्रक्रिया की गलतियों को ढूंढो, इसको ठीक करो और करो, फिर आपको जैसे हमें अनुभूति हो रही है, क्या यहाँ कितने लोग बैठे उनको हो रही है, आपको भी होगी। बस कुछ थोड़ी श्रद्धा रखो, आप थोड़ी श्रद्धा रखो और थोड़ी मेहनत करो, फिर आपको बराबर रास्ता मिलेगा। और आप ना एक और काम करो, मैं आपको दिल से कहता हूँ, आप ना लेकिन कृष्ण भगवान जी तो जो ये हमने महाभारत देखी है उसके अंदर दिखा रहे हैं कि जो है वो तो अपने भक्तों को जो है बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने दिखाए। बात सुनो पहले, मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ ये बात। आप ना जिस भगवान की अनुभूति करना चाहते हो उसको आप प्रार्थना करो कि मैं आपकी अनुभूति करना चाहता हूँ, मुझे अनुभूति दिला दो, ये प्रार्थना करो आप। तो आपको बिल्कुल अंदर सही बुद्धि प्राप्त होगी, आप सही कार्य करोगे और वो अनुभूति आपको मिलेगी, यही मेरा कहना है बस। आपका आवाज बंद हो गया। ठीक है, वीरेंद्रपुर धन्यवाद। और आप हम से टच में रहे, बाद में और डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, अभी दूसरों को भी मौका देते हैं प्रश्न पूछने के लिए। हाँ ठीक है, और कोई है बताओ। आचार्य कृष्णदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर लेक्चर था आपको। मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं दोबारा देख रहा हूँ। पहले हम लोग हमारे नजरगढ़ सेंटर में एक बार आप लाइव थे, तो मैं आपको सुन सका था, तब भी मुझे याद है और आज भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके लेक्चर्स ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। सो हम जैसे गृहस्थ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं बेसिकली। और मेरा प्रश्न था प्रभु जी की शुरू में तो हम सब एक्चुअली वर्ल्डली एम्बिशियस होते हैं, एक एज भी होता है और फिर देखा देखी होती है, तो उसमें थोड़ा हम मोड ऑफ पैशन में रहते ही रहते हैं। थोड़ा सा भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा धीरे 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 संग में प्रभाव होता है, तो हाई हाई थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जीवन में द्वंद थोड़ा सा रहता ही है। एक तरफ तो लगता है जैसे संग में आके स्वाध्याय करके भक्तों को देखकर, उनका जीवन देखकर, उनका जो पीसफुल लाइफ देखते हैं, कंटेंटेड लाइफ देखते हैं, तो लगता है कि सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। लगता है एकदम से जंप मार दिया जो उसी लाइफ में। दूसरा ये भी लगता है कि आपके सामने कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और लगता है कि ये भी ठीक नहीं है कि आप। हाँ प्रभु जी, प्रश्न बताइए। प्रश्न, हाँ प्रश्न यही प्रभु जी, इसी द्वंद से कैसे, इस ड्वालिटी से। ये द्वंद का अर्थ ये है, ये द्वंद का होना इसका अर्थ ये है कि अभी तक आसक्तियां बनी हुई है। जब तक आसक्तियां बनी रहती है तो द्वंद बना रहता है। जब अनन्य विचार भगवान के लिए होता है तो द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या है कि पैसा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, है ना, इसको द्वंद्व कहते हैं। ये भी करना है और भगवान भी चाहिए, द्वंद तब तक रहता है। और जैसे ही आप एक अनन्य भक्ति करने लगेंगे ना भगवान के ऊपर, तो वो भी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो चीजें नष्ट हो जाएंगी,
वो भी सारे कर्तव्य आपके पूरे हो जाएंगे अपने आप। भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे ना, क्या कहा भगवान ने, अनन्य चिंतयंतो माम योजना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं। कहा है ना भगवान ने, आपके सारे द्वंद्वों का समाधान वो करेंगे अगर आप उनकी अनन्य शरण में जाएंगे। अभी क्या स्थिति क्या है, अनन्य शरण नहीं है और मन यहाँ भाग रहा है वहां भी भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है वहां भी भाग रहा है, क्योंकि अनन्य शरण नहीं है। वो करने का प्रयास करो, वो सारा द्वंद्व भी मिट जाएगा निश्चित रूप से। भगवान के नाम पर भरोसा रखो, पूरे भरोसे के साथ भगवान का नाम ले लो और भगवान को कहो, देखो मानस देहो गेहो जो कुछ मोर हर पुलुन दुआ पदे नंद किशोर, आपके चरणों में दे रहा हूं मेरी समस्याएं मेरी खुशियां सब आपके चरणों में निछावर है, आपको संभालना है, मैं आपका हूं, मेरे को भी संभालो, तो आपके उसी दिन सारे सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। अभी समझो अभी मैं हूं, मैं सोचूंगा अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे 60 साल का हो जाऊंगा 65 हो जाऊंगा तब मैं चल नहीं पाऊंगा, पता नहीं कौन देखेगा मुझे, मुझे बेटा भी नहीं है। हाँ, इसको कहते हैं द्वंद्व। क्यों द्वंद्व की उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी श्रद्धा नहीं है ना कि भगवान ने आते संभाला है आगे भी संभालेंगे, श्रद्धा की कमी होने की वजह से द्वंद्व निर्माण होता है। जब श्रद्धा पूरी हो जाती है तो द्वंद्व नष्ट होता है। अब तो आप पूछेंगे कि श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा का आप कैसे पैदा करें, तो ऐसी श्रद्धा सुनने से श्रवण से प्राप्त होती है, अच्छे भक्तों के संग में श्रवण करने से ऐसी श्रद्धा प्राप्त होती है जिससे जीवन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। तो आप उस श्रद्धा को भगवान से मांगिए, उस श्रद्धा का दान भगवान से मांगिए। थैंक यू प्रभु जी। इसमें ना पतला पतली सी ना एक परत होती है, कई बार ऐसा लगता है कि कहीं कई बार ना निष्क्रियता भी आने लगती है, जैसे एक तो होता है शरणागति, वैसे हम लोग अभी हुए नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं, और कई बार उस फेज में लगता है कि कहीं कहीं निष्क्रियता भी आने लगती है, क्योंकि लाइक नो वर्ल्डली सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा आप में पैशन भी होना चाहिए, माता जी तो हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पर सत्संग इत्यादि में आके, कई बार लगता है कि निष्क्रियता नहीं है। नो शक्ति स्वरूपा माता जी के प्रश्न में उत्तर दिया था कि इस द्वंद्व के विषय में आपका कर्तव्य करते रहो, आप आपको क्या करना है माता के लिए पिता के लिए बच्चों के लिए बीवी के लिए क्या करना है वो आपको करते रहना है, आपके कर्तव्य में से प्रयास में से आपको चूकना नहीं है, लेकिन श्रद्धा रखना है कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, भगवान आप अपना तरफ से जो करना है कर लीजिए, मैं ओके हूं उसके लिए। जैसे आपका आपका घर में किसी को कैंसर हो गया समझो, तो आपका काम है कि उसका पूरा इलाज करना, पूरी मेहनत करना, बाकी वो बचेगा ये जिएगा कि अधूरा रह जाएगा, वो अपंग बन जाएगा, वो भगवान की इच्छा है, उसको आप अटैच मत रहो, आप केवल अपने कर्तव्य से अटैच रहो, जो आपके जिम्मे है उससे आप अटैच रहो और वो पूरी तरह करो, बाकी सारा छोड़ दो भगवान के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं उसके अनुसार फल भी चाहते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया तो ठीक होना चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है हमारे कार्य करने से हम उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने किया ना तो मेरे को फल मिलना चाहिए, आई वॉन्ट टू कंट्रोल द रिजल्ट, ये हमारी भावना होती है। हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, मैं मेरा कर्तव्य करते जाऊंगा, मतलब युद्ध करूंगा जीतने के लिए, लेकिन जीतूंगा कि हारूंगा ये भगवान तय करेंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर विनिंग ओनली, बट एक्चुअली व्हेन रिजल्ट कम्स आई विल नॉट बी अटैच्ड, जीतना है कि हारना है, लेकिन जीतने के लिए ही लड़ना है। उस तरह से आपका जो कर्तव्य घर का है आपको पूरी तरह से करना है, लेकिन उसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ना है। जब उसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ोगे तभी आप सुखी और शांत रह सकते हो। द्वंद्व का मतलब क्या है, अशांति है ना, इज दैट ट्रू और नॉट, द्वंद्व मीन्स अशांति, इनस्टेबिलिटी। द्वंद्व कई आपको द्वंद्व जब तक चल रहा है तब तक शांति और समाधान प्राप्त नहीं हो सकता है, और वो नष्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ भगवान पर छोड़ना होगा, जब छोड़ देंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी, तुरंत द्वंद्व खत्म हो जाएगा आपका। तो कभी कभी भगवान पर भी छोड़ने का प्रयास करो, लीव इट, मतलब लेट इट गो, लेट इट बी लेफ्ट टू गॉड, इतना आप
प्रयास करो, आज के तारीख में आप ये टेक होम मैसेज ले लो और ये सोचो कि आई विल नाउ लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स ऑन गॉड, बस ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी मुझे लगता है कि अभी समाप्त करना चाहिए, 9:01 हो गया है, हमारे सोने का समय भी हो गया है। जय जय श्री राधे श्याम। आवाज आवाज के दुनिया के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इसके शुरू प्रभु का कि उन्होंने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया। और कुछ प्रश्न अभी भी रह गए हैं जूम पे भी यूट्यूब पे भी, जिनका समय ऑलरेडी हो चुका है इसलिए आज नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु जी से हम प्रार्थना करें कि आगे भी हम कभी कभी आपको ऐसे ही मैंने वर्चुअल और रियल में भी हमें अपना संग प्रदान करें। तो जैसे इस बार आपने हमें अपना संग बहुमूल्य संग दिया, ऐसे भी ऐसे संग देते रहें। सचिवपति प्रभु आप हैं क्या? यस प्रभु जी, यस यस यस, वहां पर यहाँ पर प्रभु जी दर्शन तो दर्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है प्रभु जी, मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है आप। नाम क्या आपका? सचिवपति दास आ रहा है प्रभु जी, नाम देखिए सचिवपति दास आ रहा होगा। ऐसा हाथ दिखाओ ऐसे। यस यस, हाँ ऐसा हाथ दिखाना चाहिए। बताओ प्रभु जी। तो प्रभु जी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही, मैंने एक व्हाट्सएप भेजा था अपने इस्कॉन ग्रुप में आज, उसमें बहुत सुंदर मैसेज था कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। परफेक्ट, दैट इज भगवत गीता, दैट इज भगवत गीता। माम अनुस्तर युद्धेच। यस 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 यस। सो आपने बिल्कुल उसी के अनुरूप बताया प्रभु जी, और मैं तो ये कहूंगा कि नित्यानंद प्रभु जी का धन्यवाद दूंगा कि इतने महाभागवत वैष्णव से आज हमने ये कृष्ण कथा श्रवण की है। और प्रभु जी आज जो आपने जो कथा की है, मैं देख रहा था आपकी फोटोग्राफ, आज आपका बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस है, इतना मुस्कुरा रहे हैं आज, राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने देखा आज प्रभु जी की स्माइल बहुत ज्यादा है। मैं आपका हरे कृष्णा टीवी पे आपको सुनता हूँ, आपकी जगन्नाथ कथाएं, आपकी चैतन्य कथाएं, कितनी सारी सीरीज आपकी आती है, उनमें इतनी स्माइल नहीं होती, लेकिन आज तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसका रहस्य क्या है? उसका कारण ये है कि मैं मान मंदिर में भी कथा करके आ रहा हूँ राधा रानी की। अरी अरी बोल, अरी बोल, अरी बोल। सो प्रभु जी, मैं आपकी लाइफ के बारे में, मुझे नित्यानंद प्रभु ने काफी बताया है, और एक्चुअली मुझे लगता है कि यू आर द राइट एग्जाम्पल हाउ टू फेस द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। सो प्रभु जी की लाइफ में अगर हम झांके तो माई गॉड कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इतने ब्रजवासियों का उनकी भी मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सो इट्स वंडरफुल प्रभु जी, जस्ट टू वॉच यू, मुझे लगता है कि आपका दर्शन ही हमें सब कुछ बता रहा है एक्चुअली। आपकी जो कथा है नित्यानंद प्रभु कई बार सुनाते हैं हमें, और आप हमारे द्वारका टेम्पल में भी आए हैं, तो मैं आज आपका जो लेक्चर है बिल्कुल प्रैक्टिकल लेक्चर है प्रभु जी। अब मैंने थैंक्स दूंगा कि आज आपने ये इन्विटेशन स्वीकार किया, क्योंकि ये जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, तो प्रभु जी ने मुझे बताया नित्यानंद प्रभु ने कि हमने ऐसे से एक प्लान बनाया है, तो ये तो हमारे पूरे सेंटर के लिए मार्वेलस है एक्चुअली, इतने वरिष्ठ वैष्णवों का हमें संग मिल रहा है। तो मैनी थैंक्स प्रभु जी, और जैसा नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप जब भी आपको प्रार्थना की जाए कृपा करके हमें ब्लेसिंग देने आइएगा, इसी प्रकार से हमारा मोटिवेशन कीजिएगा, क्योंकि आपको आपको सुनना समझिए कि हमारे हमने कोई ना किसी मोती पर जरूर अच्छे से भगवान का नाम लिया होगा। संग मिला आपसे, श्रवण किया आज आपका, आपने इतने सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल आंसर दिए, तो थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस विश्व प्रभु जी की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्णा। सारे भक्तों के लिए सूचना है, अगला जो श्लोक है 10.11, इसके लिए बुधवार को शाम को 7:30 बजे हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु उस क्लास को लेंगे, बुधवार शाम को 7:30 बजे हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु, जो कि हमारे बड़े मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनका संग हमें मिलेगा। चतुष्टोकी गीता का समाप्ति होगा उस दिन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका,
वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो।